नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी होगी। 4 आकलन परीक्षा में पास नहीं करने के बाद उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। मानदेय वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। वार्ता के बाद पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। वेतनमान नहीं देने पर पारा शिक्षकों में विरोध को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार को वार्ता के लिए बुलाया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने फिर वेतनमान पर इच्छा जाहिर की और कहा इस पर जनवरी में फिर से वार्ता होगी। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। इसमें महाधिवक्ता और अधिवक्ताओं की टीम आरक्षण रोस्टर क्लियर करने और वेतनमान देने का रास्ता साफ करेगी। बैठक में टेट पास पारा शिक्षकों को 50% और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 40% मानदेय वृद्धि पर सहमति बनी। 10% मानदेय में अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए अब 3 से 4 बदले 4 आकलन परीक्षा होगी। यानी 10% मानदेय में अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए अब 3 के बदले 4 आकलन परीक्षा होगी। राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी होगी, यानी अब वे 60 साल की उम्र तक सेवा में रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें अब सहायक शिक्षक कहा जाएगा। हर साल मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। इसके साथ ही 4 आकलन परीक्षा में पास नहीं करने के बाद भी उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके वेतनमान देने और आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का रास्ता भी निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी। अब मानदेय वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। इसके बाद पारा शिक्षक आंदोलन वापस लेने का घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री के साथ हुए वार्ता के बाद पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके उनका आभार भी व्यक्त किया और कहा कि पारा शिक्षकों के लिए आज हर्ष का दिन है। प्रतिनिधिमंडल ने इसके साथ ही शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।